नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करकी से नदारद मिले छात्र और शिक्षक। दरअसल ताजा मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करकी से है, जहां एक तरफ पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से सिर्फ खानापूर्ति जारी है। अब जाकर जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू कर पढ़ाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करकी के प्रचार का रवैया मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों पर बट्टा लगाने का कार्य कर रहा है। इंडियन टीवी न्यूज को आज जब समय से पूर्व विद्यालय बंद होने की जानकारी के बाद वास्तविकता पता करने के लिए विद्यालय पहुंचे, तो दोपहर में विद्यालय से छात्र और शिक्षक नदारद मिले। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शिव प्रसाद वर्मा से फोन पर जानकारी लेने पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए आगामी दिनों में परीक्षा की वजह से विद्यालय बंद होना बताया। जब लिखित में विद्यालय के बंद होने की जानकारी ली, तो ऐसे किसी भी आदेश के न होने के बाद विद्यालय के प्राचार्य ने कही, समय से पूर्व विद्यालय के बंद होने पर जब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजेंद्र तिवारी से फोन के माध्यम से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए विद्यालय को समय के पूर्व बंद करने जैसा कोई आदेश विभाग ने जारी नहीं किया। समय से पूर्व विद्यालय को बंद करना किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करकी में विद्यालय को समय से पूर्व बंद करना आम बात है। यहां विद्यालय के समय भी छात्र छात्राएं सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं और इससे प्राचार्य द्वारा विद्यालय के संचालन की शैली स्पष्ट प्रतीत होती है। शहडोल से जिला ब्यूरो चीफ सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।